ये वैरायटी डायना वैरायटी का जो साइज अब बन रहा है, ये देखो हम इसको डेली तोड़ के डेली खा रहे हैं और ये ऐसे पक रहा है, ना इसमें कोई खाद देना है ना कुछ देना, लाजवाब टेस्ट। ये देखें बड़े बड़े फ्रूट खाने का, अंदर से देखो ये इस तरह का है, ये अंदर से येलो है। आप कुछ पौधे लगाओ और उसको सर्दियों में खुद ही तैयार कर लो, इसकी विधि भी हम बताएंगे कैसे तैयार करते हैं। इसको बड़ा नहीं करना है, हर साल ज़मीन के 1 फीट ऊपर से काटना है। हालांकि इसकी अलग से वीडियो आएगी कि किस तरह इसको काटें। पकने के बाद जो मिठास आता है वो काबिले तारीफ़ है। आप ये देखें हमारे पास ब्राउन टर्की करके एक किस्म है, आप ये देखें नज़दीक, ये इस तरह का एक फ्रूट है जो दो कलर में हो जाता है पकते ही। देखो ये बिल्कुल अच्छा है, ये आज यानी कि पक चुका है। ये बाहर से इस तरह होता है, हम इसको काटेंगे। ये देखो ये कितना प्यारा कलर है इसका। इसको खाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, साफ़ हो, स्वस्थ हो, कोई स्प्रे ना किया गया हो। बहुत अल्टीमेट टेस्ट है इसका, अंदर से किस तरह होता है। इसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं होते, आप सोच रहे हो इसमें कीड़े हो, कीड़े नहीं होते। आप इसको चाहो तो ऐसे चक्कू से करके और सीधा आप ऐसे खा सकते हो। आपको और दिखाता हूँ मैं इसमें, ये देखें लगता बहुत है अंजीर। आप जिस भी ब्रांच पे देखोगे अंजीर ही अंजीर लग रहे हैं। ये देखो आप, ये अंजीर पर ये पक गया है। तो इस तरह आप अंजीर लगा के, आपको और भी किस्म दिखाता हूँ। आइए साथियों, ये एक और वैरायटी हमारे पास, इसका नाम है ब्लैक हिस्सिया। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। अभी आप पौधा देख रहे हो, ये हमने ज़मीन से 1.5 फीट 1 फीट ऊपर से काट दिया था और इसके बाद जो ग्रोथ है ये हमारा मात्र 8 महीने का ग्रोथ है। आप ये देखें, अब इसके बाद हम फिर इसको कट कर देंगे, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये देखें इसमें इसका जो फ्रूट है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है पकने के बाद। ये देख, ये इसका ये फ्रूट है, इसमें फ्रूट बहुत लगता है। आप ये देखो बिल्कुल शहद हो चुका है ये, अभी बड़ा मीठा है। आपको और भी वैरायटी दिखाता हूँ अभी। साथियों इस तरह आप अंजीर की खेती करके या होम गार्डनिंग में कुछ पौधे लगा के अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हो, एक अच्छा आकर्षण का केंद्र भी है और हर रोज़ पकता है। सबसे अच्छी बात है कि ऐसा कोई सा फ्रूट नहीं है जो मई से शुरू होकर दिसंबर तक कंटिन्यू चले और डेली पके। ये पौधे आप हमसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। इसके पौधे अभी और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हमेशा हमारे पास ही उपलब्ध रहते हैं। तो आप अगर लगाना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल संपर्क करें। धन्यवाद।